राइट जी, सो उदयपुर को बाइक करने का टाइम आ चुका है। दिस इज द बेस्ट रोड टू ट्रैवल टू मुंबई। टुडे इज द 31st दिसंबर, सो एवरीवन इज आउट टू सेलिब्रेट न्यू ईयर। ऑलराइट, गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू चैनल एवरीवन। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। दिस इज सागर योर बॉय एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल थाने का सागर ब्लॉग। सीन्स कुछ ऐसे है कि 7 दिन हमारे राजस्थान में कैसे निकल गए हमें भी पता नहीं चला। एंड टुडे इज 31st दिसंबर, सुबह के 4:30 बज रहे हैं एंड वी आर हेडिंग टूवर्ड्स मुंबई। ये पैकिंग पूरी हो चुकी है एंड ये क्या करता हूँ, ये सब सामान है वो बाइक पे लोड करता हूँ एंड देन आपसे मिलता हूँ ऑन अ बाइक। ऑलराइट जी, सो उदयपुर को बाइक करने का टाइम आ चुका है। राइट नाउ इट्स 5:05 इन द मॉर्निंग एंड वी आर हेडिंग टूवर्ड्स मुंबई। एज पर गूगल मैप इट्स शोइंग 740 किलोमीटर्स एंड इट्स टुक अराउंड 14 आवर्स। सो शाम के 7 बजे तक हम लोग मुंबई में होंगे। ट्राई करेंगे उससे जल्द ही पहुंच जाए। एंड ये जो होटल लिया था हमने वो एग्जैक्ट मेन सिटी में था, सो नियर बाय प्लेसेस घूमने के लिए भी आसानी हो गई। अगर आप भी कभी उदयपुर में आते हो सो ट्राई कीजिएगा, नियर लेक सिटी के आसपास ही होटल लीजिएगा। सो आपको जो भी चीज़ें लगेगी या मार्केट घूमना होगा वो आपको नियर बाय मिल जाएगा। गुड मॉर्निंग गाइज एंड उदयपुर के बाद हम लोग आए हैं अभी मोदासा सिटी की तरफ। सो आप कभी भी उदयपुर से रिटर्न मुंबई की तरफ जा रहे होंगे तो मोदासा सिटी का रोड लेना। दिस इज़ द बेस्ट रोड टू ट्रैवल टू मुंबई एंड अच्छा सा रोड है, अच्छा खासा हाईवे है एंड आपका टाइम भी बचा पाएगा। हम लोग ने एज पर गूगल मैप अगर हम लोग वडोदरा वाला रोड लेते तो 2 घंटा हमारा और जाता, तो हम लोग ने डिसाइड किया कि वी गो थ्रू द मोदासा सिटी रोड एंड यहाँ से हमें लगेंगे टोटल हमारे घर तक 11 hours 31 minutes एंड टोटल डिस्टेंस है 590 किलोमीटर्स। अच्छी खासी ट्रैफिक आपको दिख रही होगी, बहुत सारे लोग थे हमें राजस्थान में देखे, MH 0103 और बाकी की गाड़ियाँ, तो वो कुछ गाड़ियाँ दिख रही है जो रिटर्न मुंबई की तरफ निकली है। एंड एज यू नो टुडे इज़ द 31st दिसंबर, सो एवरीवन इज़ आउट टू सेलिब्रेट न्यू ईयर। गाइस सो वी एंटर इन अंकलेश्वर गुजरात एंड यहाँ से महाराष्ट्र बॉर्डर है 160 किलोमीटर, सो इट्स टुक अराउंड मैक्स 2 आवर्स और उससे भी कम। वी ट्राई टू रीच एज सून एज पॉसिबल। अभी रुके थे हम एक लंच ब्रेक के लिए होटल विकास में एंड फूड वॉज वेरी गुड। अगर आप कभी आओगे सो यू कैन ट्राई दैट वन। जैसे आप अंकलेश्वर का जो टोल प्लाजा है वो क्रॉस करते हो उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड में ये विकास होटल पड़ता है एंड ऑल द स्टाफ आर वेरी गुड एंड टेस्ट ऑफ फूड इज ऑल्सो गुड, सो हाईली रिकमेंडेड। साथ ही साथ मैं अपडेट बता दूं कि यहाँ से आगे सूरत में हमें ट्रैफिक मिलेगी, ऐसे सिचुएशन है बिकॉज लॉट्स ऑफ व्हीकल वी सॉ आर मूविंग टूवर्ड्स मुंबई। सो देखते हैं जो भी होगा जैसा भी होगा आपके साथ शेयर करेंगे। Thank you.
को जस्ट क्रॉस किया है अभी। यहाँ से तो आपको पता है यहाँ से मुझे जाना पड़ेगा फाउंटेन होटल, फाउंटेन होटल से ठाणे एंड ठाणे से फिर अपना घर पनवेल की तरफ। ऑलराइट गाइस, सो फाइनली वी आर एट ठाणे। सुबह 5 बजे हम लोग ने उदयपुर से स्टार्ट की थी राइड एंड अभी शाम के 5 बज रहे हैं एंड जहाँ से राइड स्टार्ट की ठाणे में फाउंटेन होटल मेरे राइट हैंड साइड में है एंड हम लोग रुक रहे हैं, एक राइडर है उसका इंतज़ार करते हुए। तो बहुत ही अच्छा रोड था। यश, तुम्हारा क्या एक्सपीरियंस रहा? बहुत मज़ा आया, पूरा एंजॉय किया बाइक को। हमने न्यू अचीवमेंट होगा 12 आवर्स में कंप्लीट कर दिया न्यू अचीवमेंट है। और भाई साहब, राजस्थान से हम लोग ठाणे तक पहुँचे और ट्रैफिक नहीं मिली, और ये देखो ठाणे के ट्रैफिक ने हमारा अच्छा खासा स्वागत किया है। एंड जो उस रोड पे हमें घर पे जाने के लगते 45 मिनट्स, वहाँ पे 1.5 घंटा दिखा रहा है एज पर गूगल मैप। डबल टाइम आ रहा है आज सब बाहर निकले हैं 31st सेलिब्रेशन के लिए। सो क्या करते हैं गाइस, जैसे ही घर पे जाता हूँ उसके बाद फिर आपको मिलते हैं। ऑलराइट गाइस, सो फाइनली रीच एट होम सेफ एंड साउंड। बहुत थक गया हूँ, अच्छे खासे ट्रैफिक मिल गया। 5 to 5:15 हम लोग ठाणे में थे फाउंटेन होटल में एंड अभी बज रहे हैं 6:45। एक कार गया ठाणे से पनवेल आने तक, मगर आते वक्त थोड़ी बहुत ट्रैफिक मिली बट आई मैनेज। एंड एज यू कैन सी ये सब सामान अभी भी वैसे ही पड़ा है, बाहर भी पड़ा है। सो अभी क्या करूँगा, पहले नहाऊँगा, अच्छे से फ्रेश हो जाऊँगा एंड उसके बाद आपसे मिलूँगा। सो इसको मैं एक अलग तरीके से एंड करना चाहूँगा। सो ट्रांजेक्शन इन 3, 2, 1।